फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पुल अपार्ट बटर गार्लिक ब्रेड। बटर गार्लिक ब्रेड ज़्यादातर चीज़ लवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और इसे हमने मात्र 10 मिनट में बनाया है और कढ़ाई में बनाया है, तो चीज़ लवर्स को तो ये ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। जब भी आपको छोटी मोटी भूख हो, आप इसे इंस्टेंट बनाना चाहते हो तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। चीज़ से भरपूर, बटर के फ्लेवर से भरपूर ये ब्रेड खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पुल अपार्ट बटर गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए बर्गर बंस 2, क्योंकि आज हम 2 ब्रेड बनाने वाले हैं। बर्गर बंस को फ्रेश होना चाहिए और इसे अब हम कट लगाएंगे। जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको, उस तरीके से कट लगाने होते हैं, लेकिन नीचे तक नहीं लगाने हैं। आधा इंच का गैप छोड़ के हम इनको कट लगाने वाले हैं ताकि हम इसमें सारी चीज़ें भर सकें, जैसे कि हम इसमें बटर का मिश्रण भरने वाले हैं और इसमें चीज़ भरने वाले हैं, तो वो आसानी से इसमें हम भर सके। इस तरीके से ऐसे स्क्वायर शेप में कट लगाने होते हैं। इसी तरीके से हम अब दूसरी वाली ब्रेड को भी कट लगा लेंगे। पहले यहाँ पे दोनों ब्रेड को हमने कट लगा लिए हैं। चलिए अब बटर का मिश्रण बनाते हैं, इसे रख देते हैं साइड में। हमें चाहिए मेल्टेड बटर 3 टेबल स्पून। थोड़ा सा मेल्टेड हुई ही होना चाहिए ये बटर। अब हम इसमें डाल देंगे क्रश्ड गार्लिक, थोड़ा सा दरदरा कूट के गार्लिक मैं डाल रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून मैं गार्लिक यूज़ करूँगी इस रेसिपी के लिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हरी धनिया, फ्रेशली चॉप्ड हरी धनिया मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून। अब सभी सामग्री को मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है, इसमें से खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है फ्रेंड्स। अब हमें चाहिए चीज़। यहाँ पे मैंने लिया है मोजरेला चीज़ और प्रोसेस्ड चीज़। प्रोसेस्ड चीज़ जो होता है वो थोड़ा सा यूज़ करना होता है, मोजरेला चीज़ ज़्यादा यूज़ करना होता है। दोनों चीज़ को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम लेंगे बटर का मिश्रण और इसमें मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। यहाँ पे चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मैंने लगभग 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाले हैं। सभी को मैं फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बटर ही सॉल्टी होता है, तो नमक मैंने यूज़ नहीं किया है। अब हम इस बटर मिक्स को लगा देंगे बन के ऊपर, ब्रश की सहायता से लगाएंगे। सारे साइड में इक्वली ये मिश्रण लग जाएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। और इसी मिश्रण को मैं अब भर दूंगी सारे गैप्स में, जहाँ से हमने कट लगाए थे बस उस कट्स में इसको भरना होता है। थोड़ा थोड़ा मिश्रण भरना है, या फिर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं लगा रही हूँ मिश्रण को सारे गैप्स के अंदर। अभी भर चुका है तो अब हम इसमें भर देंगे चीज़ को। चीज़ को भी उसी तरीके से भरना होता है जिस तरीके से हमने बटर मिक्स को भरा है। चीज़ आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भर सकते हैं। आप चाहें तो इस रेसिपी के लिए सिर्फ प्रोसेस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मोजरेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने दोनों चीज़ का यूज़ किया है इस रेसिपी के लिए। अब मैंने चीज़ को अच्छे से भर दिया है सारे गैप्स में। इस चीज़ को भरना होता है तभी ये मेल्ट होगा और ये खाने में अच्छा लगेगा। हर एक बाइट में चीज़ का और बटर का फ्लेवर आना चाहिए। ऊपर से एक बार फिर से मैं ब्रश कर दूँगी, बटर का मिक्स लगा दूँगी। अब ये तैयार हो चुका है बेक करने के लिए। इसे हम कढ़ाई में बेक करेंगे, लेकिन प्लेट में मैं पहले इसको रख दूँगी। प्लेट में नीचे से थोड़ा सा ऑयल लगा दें और उसके ऊपर ये बन को रख दें। अब कढ़ाई में मैं इसे बेक करूँगी 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। ढक कर रखना होगा तभी ये चीज़ बढ़िया से मेल्ट हो जाएगा। तो लीजिए, तैयार है हमारा पुल अपार्ट बटर गार्लिक ब्रेड। हमने दोनों को बनाया है और ये कितना बढ़िया से मेल्ट हो चुका है चीज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक टुकड़ा आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि चीज़ कितना बढ़िया मेल्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? है ना आसान 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।
इस रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।